दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लूट लो पे। तो आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ जो कि पार्ट 4 है किसका, TWT टोकन का, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, अपने TWT टोकन को ट्रांसफ़र करने वाले हैं अपने पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों आज मैं उसका मतलब पार्ट 4 लेकर आया हूँ। पार्ट 3 के अंदर जो पार्ट 2 है और पार्ट 1 है वो इतना ज़्यादा खास नहीं है, सिर्फ पार्ट 3 से ज़्यादा मतलब ये सारा जो ट्रांसफ़र वीडियो है वो सारा 3 से लेकर मैंने बताया है। तो पार्ट 3 के अंदर मैंने बताया था कि KYC कैसे करनी थी। ठीक है दोस्तों, हमें मतलब जो अपने TWT टोकन होते हैं, TWT टोकन, इनको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है KYC की। तो KYC मैंने बता दी कैसे करनी थी। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है पार्ट 3, तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में वो पार्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वहाँ से सिंपली देख लेना और आप अपनी KYC कर लेना। अगर KYC नहीं करोगे तो आपका TWT टोकन ट्रांसफ़र भी नहीं होगा तब तक। ठीक है, तो जैसा आप पेटीएम के लिए KYC कराते हो उसी तरीके से यहाँ पर मतलब कि हमें BTC के अंदर भी मतलब TWT के लिए भी KYC करानी पड़ती है, जिसका नाम होता है BNB। ठीक है, तो अब ये सब मतलब आप कर लेना। उसके बाद में यहाँ पे पार्ट 4 को देखो, इस वीडियो को आप देखो मैं क्या बताने वाला हूँ। तो भाई जिन लोगों की KYC हो चुकी है उनका बढ़िया है, उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा मुझे मैसेज किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि भाई वो एप्लीकेशन मतलब ये अपने टेलीग्राम पे जाएंगे और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो ना तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर रोज़ अच्छी से अच्छी न्यूज़ तगड़ी लूट लेकर आता रहता हूँ। सिंपली सर्च करो ऊपर टेलीग्राम पर जाके LUOOTLO। अगर आपको ज्वाइन भी नहीं करना है तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक एप्लीकेशन का नाम एप्लीकेशन मिलेगी, वो एप्लीकेशन जिसके द्वारा आप ट्रांसफ़र करने वाले हो, तो वो एप्लीकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जल्दी से उस एप्लीकेशन को वहाँ से लेने के बाद तुरंत वहाँ से जा सकते हो, रिमूव हो सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले टेलीग्राम पे सर्च करके वहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करें। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सर्च पे जाना है और यहाँ पे जाना है हु पे, है ना, तो HOO, उस पर करने के बाद में फिर यहाँ पे सर्च कर लो तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, ये हु एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको जैसे आप देख लोगे तो यहाँ पे 55.6 MB की है, इसको जल्दी से जल्दी मतलब डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में दोस्तों आपकी ये एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके की आ जाएगी। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को करना क्या है, देखो मैं सिंपली ओपन करता हूँ और जीमेल आईडी के द्वारा मतलब कि पार्ट 3 के अंदर मैंने बताया था कि जीमेल आईडी के द्वारा किस तरीके से लॉगिन करना है, किस तरीके से रजिस्टर करना है। ठीक है, तो आपने मतलब सिंपली इसको रजिस्टर करके रख लिया होगा, मैंने बता भी दिया था पार्ट 3 के अंदर। तो आपके सामने जैसे इसे ओपन करोगे ना तो आपको ये पूरा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो आपको नीचे जाना पड़ेगा सबसे पहले कहाँ पे, यहाँ पे असिस्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। जिसकी KYC कंप्लीट है ना दोस्तों, जिसकी BNB कंप्लीट है, सिर्फ वही इस वीडियो को देखें, अदरवाइज वो ना देखें इस वीडियो को, क्योंकि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो मैं पहले यही आपको सजेस्ट करूँगा कि पार्ट 3 अच्छे से देख लें। ठीक है, KYC कर लें अच्छे से। तो दोस्तों आप इतना पार्ट करने के बाद में आपको असिस्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा सर्च बॉक्स, इसमें सर्च करना है आपको TWT, जैसा कि मैंने सर्च कर रखा है TWT। उसके बाद दोस्तों आपका ऊपर आ जाएगा ये TWT। ठीक है, TWT इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रिसीव, ठीक है, बीच में दिख रहा है रिसीव, रिसीव पे क्लिक करें। रिसीव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक एड्रेस दिख रहा है। ठीक है, ये एड्रेस दिखा, इसको कर लो कॉपी। दोस्तों ये एड्रेस कॉपी हो गया, आप सिंपली चले जाओ अपने ट्रस्ट वॉलेट पे, जहाँ पे आपके कॉइन पड़े हुए हैं, जितने भी कॉइन है ना सबको मतलब कि ट्रांसफ़र कर लो अपने हु एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, ये था दूसरा पार्ट, मतलब ये चौथा पार्ट है जिसके अंदर मैं ट्रांसफ़र का पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाई BNB कंप्लीट हो जाती है तो कैसे पता लगता है, BNB कंप्लीट हो जाती है तो आपको यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ बैलेंस शो हो जाता है, कि बाकी होगा जैसे 0 शो हो रहा है ना, तो यहाँ पे BNB में हमें कुछ ना कुछ बैलेंस शो हो जाता है। ठीक है, इससे हमें पता लग जाता है कि BNB हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये BNB कंप्लीट हो गया, अब हमें क्या करना है, सिर्फ TWT को हमें क्या करना है, सेंड करना है। तो सेंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे, सबसे पहले TWT पे यहाँ पे टोकन पे यहाँ पे क्लिक करो, जो भी आपका टोकन है उसके बाद में इसे कर दो सेंड। सेंड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सेंड करो। सेंड करने के बाद में यहाँ पे अपना जो एड्रेस हमने लिया था ना उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। आप एड्रेस क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं, ये रहा हमारा एड्रेस। एड्रेस पता ना आपको कैसे लेना, मतलब नीचे जाना है, असिस्ट पर जाना था, मैं फिर से एक बार और बता देता हूँ, ये आपका होम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना है असिस्ट पे। असिस्ट पे जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है TWT। TWT सर्च करने के बाद ऊपर आपका आ जाएगा TWT। ठीक है, ऊपर ही आ जाएगा TWT। यहाँ पे जाने के बाद में अपना एड्रेस निकाल लो। ठीक है, तो एड्रेस भी कहाँ से निकालोगे आप, यहाँ पे रिसीवर एड्रेस पे जाना है। रिसीव पे जाना है। रिसीव पे जाने के बाद में मतलब कि यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, इसको कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद सिंपल कर लो यहाँ पे जाके मतलब TWT के अंदर मतलब ट्रस्ट वॉलेट के अंदर वहाँ पे सिंपली प्लस कर पेस्ट कर दो। ये हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद में अमाउंट कितना हो रखा है हमारा, यहाँ पे डाल दिया 3400। ठीक है, हमारे TWT इतना ही है तो 3400 ये मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में मेमो को खाली छोड़ दो। मेमो खाली छोड़ने के बाद में इसको कर दो नेक्स्ट, ये लिखा हुआ नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो नीचे आपको सेंड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब ये सेंड का ऑप्शन उन्हीं क्या आएगा जिनकी BNB कंप्लीट है। जिसकी BNB कंप्लीट नहीं है ना उनके ये सेंड वाला ऑप्शन नहीं आएगा, चाहे उनके 500 TWT है या फिर उनके 800 TWT है। ठीक है दोस्तों, आपका चाहे कितना भी, अगर मान लो 500 से कम तो किसी का होगा नहीं, मिनिमम 500 था इसका रिडीम। तो भाई अगर आपके 500 भी है, 600 भी है, 700 भी, 750, उतना कितना भी है, लेकिन भाई ट्रस्ट वॉलेट से निकालने के लिए TWT के लिए BNB करानी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो मतलब कि आपको BNB करानी पड़ेगी। तो पार्ट 3 के अंदर
मैंने पूरा अच्छे से बता दिया कि BNB किस तरीके से करानी है, ठीक है। तो वो देख लेना अच्छे से। तो जैसे आप BNB करा लोगे ना और आपकी सक्सेस है BNB, तो आपको नीचे ये सेंड वाला ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, वरना विजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नेटवर्क फीस कितनी इतनी लग रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर ये फीस आपको दिख रही है और ये दिख रही है, तो साथ ही साथ आपका सेंड वाला ऑप्शन भी विजिबल हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो भाई विजिबल भी नहीं होगा। तो सिंपली आप कर दो इसको सेंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी मतलब वेट कर लेते हैं, और यहाँ पे देखो ये एक मिनट बैक कर लेता हूँ। ये देखो हमारा जो TWT टोकन है वो यहाँ से जीरो हो चुका है, और जो हु एप्लीकेशन है जिसका हमने एड्रेस डाला था, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ये पूरा इसका स्टेटस आ गया है कि 3400 TWT हमारे सेंड हो चुके हैं, ठीक है। तो हम जल्दी से क्या करेंगे, अपनी हु एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और यहाँ पे जाके इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है। बैक करने के बाद में यहाँ पे देखते हैं कि हमारा वो TWT आया है कि नहीं आया। तो थोड़ा सा इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसमें TWT आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसमें दोस्तों थोड़ा मिनट का टाइम लग सकता है, तो थोड़ा मिनट में रुक जाता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको आया है कि नहीं। अब दोस्तों देखो, जैसे मैंने वीडियो पॉज कर दी और थोड़ा रिफ्रेश किया था, तो इसमें मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये जो बैलेंस था मेरा TWT, वो मेरे मतलब हु एप्लीकेशन के अंदर आ गया। मतलब आपका एक सिंपल सा छोटा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपको सिंपली जो BTC होता है ना, वो सिंपल डायरेक्ट Paytm में नहीं जाता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कन्वर्ट करना है अपने BTC के अंदर। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ता है इनको ट्रेंड, ठीक है। तो अभी आपको ऊपर दिख रहा होगा ये बैलेंस वाले ऑप्शन के अंदर आ रहा है हमारे TWT, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये TWT को कहाँ पे लगाना है, ट्रेंड के अंदर डालना है, ट्रेडिंग पे डालना है, ठीक है। तो ट्रेंडिंग वाले पे क्लिक करना है, ट्रेंडिंग वाले पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे आपको सर्च करना है TWT। यहाँ पे सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे TWT फिर से ऊपर ही ऊपर आ जाएगा, एक मिनट। लेकिन दोस्तों ट्रेडिंग से करने से पहले हमें क्या करना, मतलब मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो बैलेंस पे आपको शो हो रहा है ना TWT, तो इस पे बैलेंस वाले पे क्लिक करें और इसको कन्वर्ट कर लें ट्रेडिंग पे। तो कन्वर्ट कैसे होगा, इस पे क्लिक किया और यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा ट्रांसफर, ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है बैलेंस, बैलेंस टू ट्रेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्रेडिंग नहीं आ रहा तो यहाँ पे जैसे मतलब लिस्ट आती है पूरी, तो इस पर क्लिक कर लेना, ट्रेडिंग पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट है ना उसको डाल दो। तो यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऑल, ऑल पे क्लिक करें, तो ऑल पे क्लिक करने बाद में जो भी आपका TWT पड़ा हुआ है ना, उस TWT वो पूरा का पूरा आपके पास में आ जाएगा। और यहाँ पे कर दीजिए इसे ट्रांसफ़र, ठीक है। अभी आपको पूरा एक मैसेज आ गया चाइनीज़ भाषा के अंदर, जो आपको समझ में नहीं आएगा तो भाई इसको छोड़ दो, क्यों समझ रहे हो, बस इस पर बीच में एक बटन आता है उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूरा ये इस तरीके का आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल इस तरीके का पेज दिखाएगा, लेकिन इससे आपको कुछ नहीं बताना। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि वो हमारा ट्रेडिंग में कन्वर्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे फिर से असिस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। असिस्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पे अपना जो बैलेंस वाला था ना, तो बैलेंस वाले हमने सर्च किया TWT, तो बैलेंस वाले में सर्च किया TWT, तो इसका देखो आप यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस जीरो हो चुका है, ठीक है। लेकिन हम ट्रेडिंग के अंदर सर्च करते हैं TWT, ठीक है। तो यहाँ पे आप अवेलेबल बैलेंस देख सकते हो 3400 हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल सक्सेस हो चुका है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये बीच में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रेडिंग के नाम से, मतलब तीसरा ऑप्शन है ट्रेडिंग। अब इस ट्रेडिंग पे कंप्लीट करो, मतलब कि हमने कभी कन्वर्ट कर लिया, अब हमें ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अब कन्वर्ट तो हो गया, ट्रांसफर हो चुका है, अब हमें ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको ये 3 डॉट दिख रहा होगा, ठीक है। 3 डॉट पर क्लिक करें, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर सर्च करना है TWT USDT, ठीक है। तो USDT थोड़ा सर्च करने में टाइम लग रहा है इसको, नो डेटा TWT, और दोस्तों ये ऊपर ही ऊपर दोस्तों आ चुका है ये TWT USDT, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो स्लैश लगा के दे रखा है, ठीक है। तो अभी हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नाम अच्छे से देख लेना, TWT USDT, यहाँ पे मतलब BTC से मत करना, USD से मत करना, USDT से करना, ठीक है। ये करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मतलब ये सर्च हो चुका है, यहाँ पे अब ये सेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल का ऑप्शन आ गया है, अब सेल कैसे करना है आपको, सेल यहाँ पे मतलब कि इसमें जो आपको अमाउंट दिख रहा है ना, अमाउंट वाला सेक्शन, यहाँ पे अपना अमाउंट डाल दो और यहाँ पे मतलब कि नीचे डाल दो सेल TWT पे। सेल TWT डालने के बाद में दोस्तों आपको करना पड़ेगा बाय। लेकिन अब इससे सेल करने का मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं बताने वाला, वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मैं वीडियो इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जैसे आप सेल कर दोगे ना, तो आपका भाई जो भी फ़ायदा मैंने आपको शुरू में वीडियो बनाते समय बोला था ना कि भाई पार्ट फर्स्ट के अंदर कि किस तरीके से भाई सिंपली एक अकाउंट के ऊपर $8 मिल रहे हैं, $9 मिल रहे हैं, वो उसका फ़ायदा ही नहीं मिलेगा आपको, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। सपोज़ अगर आपने मतलब 2000 के आसपास या फिर ऐसे 3000 के आसपास अगर आप सेल करते हो ना, सेल करते हो अपने TWT को, तो ये वही स्टेप है भाई। यहाँ पे आपको सेल करना पड़ेगा, यहाँ पे सेल भी क्या कर रहे हो आप, TWT सेल कर रहे हो, तो ठीक है। क्योंकि यहाँ से सेल करने के बाद जो TWT अब आपका चेंज हो जाएगा बिल्कुल EOS में, US में मतलब दूसरी करेंसी चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों इसी जगह पर मैं आपको यहीं पर पॉज कर देता हूँ वीडियो, इसके बाद आएगी भाई अगली वीडियो जिसके अंदर ये जब प्राइस अच्छा हो जाएगा ना, क्योंकि अभी तो प्राइस अच्छा नहीं है इसका, मतलब TWT का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है मार्केट के अंदर। लेकिन दोस्तों मुझे पता है क्यों गिरा है, क्योंकि अभी
तुरंत हमारे मतलब अभी तक बेंगलोर में चल रही थी साइट, अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे आ चुका है बिल्कुल राजस्थान में, बिल्कुल अच्छी तरीके से इंडिया में फैल चुकी है ये साइट। ठीक है, अब जब इंडिया में जब फैली है ना, तो हर कोई इस TWT को किसी दूसरे सेल के मतलब खरीदने के बाद में अब वो सेल कर रहा है अच्छी खासी इनकम के ऊपर इसके ऊपर। ठीक है, किसमें मतलब यहाँ पे सेल कर रहा था सब वेबसाइट पे BTC के ऊपर, तो उनके उनके कारण मतलब क्या, उनके पास तो स्टॉक बढ़ गया भाई कंपनी वालों के पास में, कि इतना सारा TWT आ रहा है हमारे पास में स्टॉक बढ़ गया, तो उन्होंने प्राइस गिरा दी इस चीज़ की। लेकिन जब बाद में भाई ये सब लोग अच्छी तरीके से अपना अपना सेल कर लेंगे ना भाई, बहुत लोग अपना अपना सेल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाद में वो जब सब लोग सबका स्टॉक खत्म हो जाएगा, सबका स्टॉक खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेंगे कुछ गिने चुने आदमी, जैसे कि मैं बचूंगा और हमारे ये सारे ग्रुप वाले बचेंगे जो सब आप देख रहे हो। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों जब गिने चुने स्टॉक बचेंगे, तो उनका पता है कि भाई रेयर पीस का कितना ज़्यादा महंगा पीस हो जाता, मतलब कितना ज़्यादा प्राइस हो जाता, तो उसी तरीके से यहाँ पर वो मतलब प्राइस बढ़ जाएगा उसी तरीके धीरे धीरे। तो वही थोड़ा वेट करो, इसलिए मैं यहाँ पर सेल करके नहीं बता रहा हूँ, मैं तो आपको सिंपली बता रहा था कि यहाँ पे मतलब हुए एप्लीकेशन में किस तरीके से ट्रांसफर करना है, और उसके बाद में इसको ट्रेडिंग पे चढ़ा देना। ठीक है, ट्रेडिंग पे हमने चढ़ा दिया, उसके बाद आप करना कुछ नहीं है सिंपल दोस्तों, यहाँ पे देख लो बस ट्रेडिंग के अंदर आपको दिख रहा है ना, सिस्टम पे जाने के बाद में ट्रेडिंग में आपका बैलेंस शो हो रहा है, देखो ट्रेडिंग में पूरा बैलेंस शो हो रहा है, तो यहाँ पे बस शो होने दो, इससे कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पे रहने दो। ठीक है, अब ये आपका सेफ है बिल्कुल हो एप्लीकेशन में। अब यहाँ पे अगर सर्च करते हो आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रस्ट वॉलेट में आपका जो भी बैलेंस था वो सारा का सारा बैलेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे पूरा बैलेंस देख लो, जीरो हो गया। अब हमें इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि देखो BNB मेरा कराई थी वो भी खत्म हो गया, आपका सब कुछ जो भी था वो सब कुछ खत्म हो गया। अब इसमें चाहे डिलीट कर दो चाहे कुछ भी कर दो, इसे कोई मतलब नहीं है, बस आपका हो एप्लीकेशन होना चाहिए अब आपके पास में। ठीक है, अब हो एप्लीकेशन में पार्ट फोर फिफ्थ के अंदर बताने वाला हूँ कि आगे भाई सेल कैसे होगा, वो सेल है जब बताऊँगा जब इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अभी प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि नुकसान आपका भी होने वाला है और नुकसान मेरा भी होना है। मैं तो भाई झेल लूँगा, लेकिन आपका नुकसान काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। जहाँ आपको 20,000 मिलने चाहिए वहाँ आपको सिर्फ 200 या फिर 300 रुपये मिलेंगे, सिर्फ इस अगर वीडियो दे देता हूँ मैं आपको तो। ठीक है दोस्तों, तो 20,000 और कहाँ 200 रुपये, तो भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन आपको भाई सेल नहीं करना ये तो। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो ना इस तरह की मतलब कि पार्ट फिफ्थ के लिए, आपको भाई हमारा चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई इसको बेल आइकन कर लीजिए और, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आ जाएगी पार्ट फिफ्थ के आते ही। ठीक है, जब भी इसकी प्राइस मतलब बढ़ेगी, और साथ ही साथ में मतलब कुछ लूट ऑफर भी आपको देता रहता हूँ जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ना, सिंपली ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं छोटे छोटे, और भाई क्रिप्टो करेंसी जैसी मतलब कि प्राइस बढ़ेगा ना, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पता नहीं दोस्तों कैसे ये मतलब आज सब है बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हुए हैं। कुछ लोगों ने बोला है कि भाई देखो मैंने यहाँ पे तो मतलब ये KYC कराने के लिए सबको बोला था कि KYC जल्दी से जल्दी करा लो, तो कुछ लोग तो भाई ऐसा भी बोल रहे हैं इसके अंदर कि यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे मतलब मैंने देखा था, नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, फीस लग रही है। मतलब कि भाई मैंने जब उनके लिए बोला कि KYC करो मतलब BNB करो कराओ मतलब मुझसे कराओ, तो मैंने उनको बताया था कि $15 लग रहा है, किसी वेबसाइट से करवाते तो $15 लग रहे हैं, लेकिन मैं उनको कितने में करा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 रुपये या फिर ज़्यादा ज़्यादा जिसके भी हो रहे थे, मुझे पता किसी के 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, तो भाई मैं सिर्फ 10 से 20 रुपये के अंदर कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को वो बुरा लग रहा है तो भाई कोई बात नहीं, आप मत करो, कहीं और से करा लो, वो मैं आपको बस आपको नुकसान नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, और साथ ही साथ आप पता नहीं कौन सा ये आ गया है, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ मतलब ऐसे भी आ गए हैं कि उन्होंने किसी ने अपने TWT सेल कर दिया है इसी जगह मतलब। चलो वीडियो को एंड करते हैं, पार्ट फिफ्थ के लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, तब प्राइस बढ़ेगी ना, तो पार्ट फिफ्थ को मैं प्राइवेट में अभी पड़ी हुई है, पार्ट फिफ्थ को मैं लगा दूंगा कहाँ पर मतलब पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद।